प्रदेश के जनपद संभल से स्वास्थ्य विभाग की एक शर्मनाक वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में कुछ लोग एक महिला के शव को हाथ थैले पर रखकर ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला आज दोपहर उस समय का बताया जा रहा है जब कुछ 3-4 लोग एक बीमार महिला को हाथ थैले पर लेटाकर संभल के जिला अस्पताल पहुँचते हैं। सूत्रों की माने तो उक्त बीमार महिला का ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक चेकअप किया और उसे मृत घोषित करते हुए गेट से चलता कर दिया। संभल जिला अस्पताल की बेशर्मी देखिए, वहाँ मौजूद स्टाफ ने पीड़ितों से ऐसे ही शव को ले जाने के लिए कहते हुए अस्पताल से चलता कर दिया। कोरोना काल में हाथ ठेले पर महिला के शव को ले जाता देख वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति ने ये पूरा वाक्य मोबाइल में कैद कर लिया, लेकिन सड़क पर जाते हुए भीड़ के बीच से शव को जाते हुए देख लोगों ने योगी सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर सवाली निशान जरूर लगा दिया है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों में 2 शवों वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। इस घटना से योगी सरकार की सारी योजनाओं पर संभल के स्वास्थ्य विभाग ने पलीता जरूर लगा दिया है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है, सड़क पर ठेले से कैसे ले जा रहे हैं, उन्होंने शव वाहन की मांग की या नहीं की, इसकी जांच कराई जाए।